हेलो दोस्तों, गुड स्टडी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो संस्कृत में जो अनुवाद का टॉपिक हम लोग का चल रहा था उसमें हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे, उसमें हम लोग पढ़ चुके थे लट लकार के, लट लकार जो है वर्तमान काल उसका प्रथम पुरुष पढ़ चुके थे। प्रथम पुरुष हम लोग पढ़ चुके थे और प्रथम पुरुष में जैसे भवति भवता भवन्ति या पठत पढ़ता पठन्ति या लिखत लिखता लिखन्त, यानी कि जो प्रथम पुरुष है उसका उपयोग किया जाता है। जैसे प्रथम पुरुष है ये वाला दिखाया गया है, यहाँ पे धातु रूप लिखा गया है, तो ये प्रथम पुरुष हम लोग पढ़ चुके थे। ये वाला जो है प्रथम पुरुष हम लोग पढ़ चुके थे ये वाला। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यम पुरुष के बारे में, चूँकि ये मध्यम पुरुष जो है लट लकार का ही है, लट लकार का मध्यम पुरुष हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ये देखते हैं लट लकार का मध्यम पुरुष क्या होता है और इसका उपयोग किस प्रकार से संस्कृत का अनुवाद बनाने में किया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि अन्य अधिक से अधिक जो लोग हैं वो लाभान्वित हो सकें। और वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट के बारे में हमें सुझाव दे सकें। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है नियम नंबर एक, संस्कृत में तुम दोनों, तुम सब मध्यम पुरुष के लिए युष्मद् शब्द का प्रयोग तुम युयाम युयम होता है। यानी कि संस्कृत में किसका उपयोग होता है, तुम युयाम युयम, और ये सभी जो है युष्मद् शब्द का प्रयोग होता है। ये सब किसके लिए प्रयोग होते हैं, युष्मद् शब्द के लिए प्रयोग होते हैं। तुम युयाम युयम, तुम मतलब तुम, युयाम मतलब तुम दोनों, युयम मतलब तुम सब। संस्कृत में तुम दोनों, तुम सब, ये किस में आते हैं, मध्यम पुरुष में आते हैं। और मध्यम पुरुष में इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लिया जाता है, तुम युयाम युयम, तुम युयाम युयम प्रयोग में लिया जाता है। तो इसको याद रखना है। अब देखिए नियम नंबर दो क्या कहता है, यदि मध्यम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष का कर्ता च से जुड़ा हो, मध्यम पुरुष के साथ क्या जुड़ा हो, प्रथम पुरुष का जो कर्ता हो वो च से जुड़ा हो, तो क्रिया मध्यम पुरुष द्विवचनांत होती है। तो क्रिया क्या होगी, मध्यम पुरुष द्विवचन की होती है। और यदि दो से अधिक कर्ता हो तो क्रिया मध्यम पुरुष बहुवचनानी होगी। यानी कि दो से अधिक यदि कर्ता हो तो क्या होगी, क्रिया होगी बहुवचन की। लेकिन यदि प्रथम पुरुष का कर्ता हो और च से जुड़ा हो तो क्रिया क्या होगी, द्विवचन की होगी। तो इसको भी आपको याद रखना है। और रूल नंबर तीन देखते हैं, रूल नंबर तीन क्या है। रूल नंबर तीन कह रहा है यदि कई कर्ता में वा या वा अथवा या जुड़े हों, तो वा अथवा या जुड़ने का मतलब क्या है कि अथवा के रूप में प्रयोग हो या के रूप में प्रयोग हो। तो यदि कर्ता में वा अथवा या जुड़े हों तो क्रिया अपने सबसे निकट यानी कि पास के कर्ता के पुरुष के या वचन के अनुसार होती है। यानी कि यदि या अथवा वा से जुड़े हों या अथवा वा दोनों से जुड़े हों तो क्रिया क्या होगी, क्रिया अपने पास के निकट जो कर्ता होगा उसी के पुरुष या वचन के अनुसार होगी। तो चलिए उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं कि उदाहरण में किस प्रकार से हम इनका अनुवाद बना सकते हैं। देखिए तुम पठसी, तो पहले देखते हैं तुम मतलब होता है तुम, तुम मतलब क्या होता है, तुम मतलब क्या होता है, तुम मतलब तुम होता है। लेकिन तुम का प्रयोग किसके लिए होता है, तुम के लिए, युवाम का प्रयोग तुम दोनों के लिए, युवाम का प्रयोग तुम सब के लिए प्रयोग होता है। तुम का प्रयोग तुम के लिए, युवाम का प्रयोग तुम दोनों के लिए, युवाम का प्रयोग तुम सब के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि तुम पठसी, तुम मतलब क्या होता है, तुम पठसी। तो देखते हैं कि जो है
मध्यम पुरुष का रूप क्या होता है? देखिए यहाँ पे दिखाया गया है प्रथम पुरुष का रूप पठति पठत पठंत, लेकिन मध्यम पुरुष का रूप क्या है? पठस्य पठत पठत। तो पठस्य यहाँ पे है यानी कि तुम पठस्य, यानी कि तुम पढ़ते हो, तुम क्या करते हो, तुम पढ़ते हो। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो, यानी कि यह या स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए तुम का उपयोग किया जा सकता है। इसीलिए तुम पठसि तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो, दोनों हो सकता है। देखिए युवाम पठता, तो यहाँ पे देखिए युवाम लिखा है, तो युवाम का प्रयोग किसके लिए होता है? तुम दोनों के लिए होता है। तो यहाँ पे युवाम पठता, तो युवाम का क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, युवाम तुम युयम युवाम, तुम युयम तुम युवाम युयम तुम युवाम युयम, तो इसका युवाम होगा, तो युवाम होगा तो पठता का उपयोग किसके लिए होगा? युवाम के लिए होगा, क्योंकि मध्यम पुरुष का द्विवचन है, मध्यम पुरुष का द्विवचन है। एक वचन के लिए तुम का प्रयोग होगा, द्विवचन के लिए युवाम का प्रयोग हुआ और बहुवचन के लिए युवाम का प्रयोग हुआ। देखिए यहाँ पे भी साफ तौर से बातें लिखी गई है, यहाँ पे लिखा गया है मध्यम पुरुष में तुम युवाम युयम, ये किसके लिए प्रयोग होगा? तुम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, युयम मतलब तुम सब। तो मध्यम पुरुष का एक वचन रहेगा तो पठस्य होगा, मध्यम पुरुष का यदि द्विवचन रहेगा तो पठता होगा, मध्यम पुरुष का यदि बहुवचन रहेगा तो क्या होगा? पठत होगा। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि युवाम पढ़ता, तो युवाम पढ़ते यानी कि तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों पढ़ते हो या तुम दोनों पढ़ती हो, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए किसका प्रयोग होगा? तुम का प्रयोग होगा, चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, दोनों के लिए किसका प्रयोग होगा? तुम का प्रयोग हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि युयम पठता, युयम पठता, तो युयम का प्रयोग किसके लिए होगा? युयम का प्रयोग बहुवचन के लिए होगा। यहाँ पे लिखा गया है तुम युयाम युयम, तो तुम का प्रयोग तुम दोनों, युयाम मतलब तुम मतलब तुम, युयाम मतलब तुम दोनों, और युयम मतलब तुम सब। तो युयम का प्रयोग किसके लिए होगा? तुम सब के अर्थ में होगा। तो यहाँ पे युयम लिखा है, तो युयम पठता, युयम पठत होगा, तो तुम सब क्या करते हो? पढ़ते हो, या तुम सब या तुम लोग पढ़ते हो, या तुम लोग पढ़ती हो, या तुम सब पढ़ती हो, किसी के अर्थ में हो सकता है, यानी कि तुम सब के अर्थ में होगा। अब देखिए तुम रामश्च, तुम रामश्च गच्छतः, यानी कि तुम और राम, च यानी कि तुम और राम गच्छतः, तो तुम और राम क्या करते हो? जाते हो। तो इसमें क्रिया जो होगी क्या होगी? द्विवचन की होगी। तो द्विवचन की क्रिया क्या होगी? देखिए गच्छत गच्छतः गच्छन्ति, गच्छत गच्छतः गच्छत, गच्छत गच्छतः, तो द्विवचन की होगी। तो द्विवचन की क्रिया क्या होगी? तुम रामस्य यानी कि तुम और राम, यानी कि दो लोग हुए, तो दो लोग हुए तो उसके लिए द्विवचन की क्रिया क्या होगी? यहाँ पे होगी, यानी कि यहाँ पे द्विवचन की क्रिया क्या होगी? गच्छत गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः, तो गच्छतः होगी। तो यहाँ पे लिखा गया है तुम रामस्य गच्छतः, तो यहाँ पे क्या होगा? तुम और राम क्या करते हो? जाते हो। अब देखिए युवाम, तुम युवाम, तो युवाम किसके लिए होगा? तुम दोनों के लिए होगा, युवाम मतलब तुम दोनों, राम हरि च गच्छत गच्छत, यानी कि तुम मतलब तुम, राम हरि, तुम राम और हरि, तुम राम और हरि, सबके लिए प्रयोग हुआ है। और ये किसके अर्थ में प्रयोग हुआ है? और के अर्थ में है, या के अर्थ में नहीं है, तो और के अर्थ में होगा। तो क्रिया हमेशा क्या होगी? बहुवचन के रूप में होगी। यहाँ पे लिखा गया है साफ तौर से, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि यदि दो या दो से अधिक करता हो, दो या दो से अधिक करता हो, तो क्रिया क्या होगी? बहुवचन के रूप में होगी। क्रिया क्या होगी? बहुवचन के रूप में होगी। तो यहाँ पर क्रिया क्या लिख दिया गया है? बहुवचन के रूप में लिखा गया है, बहुवचन के रूप में क्या लिखा गया है? देखिए युवाम राम हरिश्च
गच्छता यानी कि युवाम, मतलब तुम सब राम और हरि गच्छत मतलब जाते हो, यानी कि तुम राम और हरि जाते हो, तुम राम और हरि जाते हो। अब देखिए युयम, तो युयम का प्रयोग किसके लिए होगा, बहुवचन का अर्थ में होगा, चूंकि इसका प्रयोग देखिए यहाँ पे युआम का है, तो युआम का प्रयोग किसके लिए होता है, युआम का प्रयोग द्विवचन के लिए होता है, तो यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पे बिंदु हमको लग रहा है कि छूट गया है, तो बिंदु का उपयोग देख लेते हैं एक बार कि बिंदु यहाँ पे होगा या नहीं। बिंदु होगा तो यहाँ पे बिंदु भी हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, यहाँ पे बिंदु हम लगा सकते हैं। अब देखिए युम महेश रमेश च गच्छत था। अब देखिए युम मतलब तुम सब, यानी कि तुम सब महेश और सुरेश गश्त, यानी कि तुम लोग चाहे तुम सब महेश और सुरेश जाते हो, तो यहाँ पे किसका उपयोग होगा, बहुवचन का उपयोग होगा, यहाँ पे बहुवचन का रूप दिखाया गया है कि बहुवचन का उपयोग होगा। अब देखिए चूंकि इसको एक बार उदाहरण के रूप में हम दिखाए थे, लेकिन ये गलत हो गया है, तो इसको सुधार लीजिए, और जिस प्रकार से हम बताएं यहाँ पे द्विवचन होगा तो इसमें बिंदु का उपयोग कर सकते हैं, यूएम में बहुवचन होगी तो इसको बहुवचन के रूप में दिखा सकते हैं। देखिए यूएम महेश सुरेश चौगछत, यूएम मतलब तुम लोग जाए तुम सब महेश और सुरेश गच्छत, गच्छत होगा तो तुम लोग महेश और सुरेश गच्छत मतलब जाते हो। अब देखिए तुम राम हरि वा गच्छति, तुम मतलब तुम राम मतलब राम हरि वा गच्छति या गच्छति, यहाँ पे क्या दे रहा है, तुम राम या हरि, वा मतलब यह होता है, त्वम मतलब तुम राम या हरि गच्छत मतलब जाते हो, तुम राम या हरि जाते हो, तुम राम या हरि जाते हो। तो देखिए या के अर्थ में कुछ प्रयोग होता है, तो यहाँ पे साफ तौर से लिखा गया है कि यदि कर्ता में वा अथवा या से जुड़े हो, कर्ता किससे जुड़े हो, वा अथवा या से जुड़े हो, तो क्रिया सबसे निकट यानी कि पास के कर्ता के पुरुष या वचन के अनुसार होगी, तो क्रिया क्या होगी, पास के निकट के कर्ता के या क्रिया के अनुसार होगी, तो पास के निकट या क्रिया क्या है, कर्ता या क्रिया क्या है, देखिए त्वम राम हरि वा गच्छति, तो हरि है तो सबसे निकट का कर्ता हरि है, तो हरि के अनुसार होगी, यानी कि तुम राम या हरि जाते हो, तो हरि है और हरि एक वचन है, तो गच्छति यहाँ पे लिख दिया गया है, तो हरि के अनुसार यहाँ पे क्या लगेगी, हरि के अनुसार क्रिया लगेगी, तो क्रिया यहाँ पे हरि के अनुसार हो गया है। अब देखिए युवाम, तम युवाम युयम, तम युवाम युयम, तो द्विवचन है, युवाम मतलब तुम दोनों, यानी कि तुम दोनों राम ते वा गच्छन्ति, देखिए युवाम मतलब तुम दोनों राम या ते मतलब वे, यानी कि तुम दोनों राम या वे, यानी कि तीन लोगों के लिए है, तुम दोनों राम या वे गच्छन्ति, गच्छन्ति। अब देखिए क्रिया चूंकि या के अर्थ में जुड़े हो, तो जो सबसे निकट में होगी कर्ता उसी के अनुसार क्रिया लगेगी, तो ते ते यहाँ पे लिखा गया है, तो ते के अनुसार क्या लगेगी, ते के अनुसार क्रिया लगेगी, तो हम लोग पढ़ते हैं कि सह तौ ते, यहाँ पे क्या पढ़ते हैं हम सह तौ ते, तो ते लगा हुआ है सह तौ ते, और ते जो है बहुवचन में है, तो क्रिया किसके लगेगी, बहुवचन की लगेगी, तो बहुवचन की लगने का मतलब क्या है कि देखिए सह तौ ते यह प्रथम पुरुष का है, तो प्रथम पुरुष का क्या क्रिया लगेगा, तो प्रथम पुरुष का क्रिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष का क्रिया यहाँ पे क्या लगाया है, देखिए प्रथम पुरुष का क्रिया क्या लगाया है, युवाम राम ते वा गच्छन्ति, यानी कि युवा मतलब तुम दोनों राम एवं राम या वे गच्छन्ति मतलब जाते हैं, यानी कि तुम दोनों राम या वे जाते हैं, तो ये तीसरा हम लोगों का हुआ, और एग्जाम्पल इतना ही है, इसको आप दोहराते रहिए, कई कई बार वीडियो को देखिए, और
आप क्या करिए कि जो अभ्यास दिया गया है, अभ्यास में जितने सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं आप उनको बनाइए, और नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके और हमें बताइए कि कौन सा टॉपिक आप लोगों को नहीं समझ में आया, ताकि अच्छे से आप लोगों को बताया जाए, रिवाइज करवाया जाए। तो देखिए उदाहरण कौन कौन से दिए गए हैं। यहाँ पे लिखा गया है निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, आप इनको नोट करके और घर पे बना सकते हैं। देखिए हम या तुम लोग पढ़ते हो, हम या तुम लोग या के अर्थ में प्रयोग हुआ है, तो इसमें क्या होगी, इसमें सबसे निकट के अनुसार क्या होगी, क्रिया लगेगी। तो इसका उपयोग आप करके और नियम बना सकते हैं। देखिए तुम लोग या वे देखते हैं, तो इसमें भी या के अर्थ में जुड़े हैं तो निकट के अनुसार क्रिया लगेगी। तुम लोग या वह दौड़ता है, तो इसमें भी या के अर्थ में प्रयोग हुआ है, तो इसको भी वैसे ही बनाएंगे। राम और मैं लिखता हूँ, तो ये किस में किसके अर्थ में है, और के अर्थ में है, तो इसको भी आप बना सकते हैं। हरी या राम खेल रहा है, तुम गंगा और तुम गंगा और गायत्री हंस रही हो, तुम और गीता बोलते हो, तुम दोनों खाते हो, तुम दोनों खाते हो, वे लोग और तुम पूछते हो, तुम लोग या वे आ रहे हैं। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि अन्य जो लोग हैं वो भी लाभान्वित हो सकें, और अनुवाद में उनको पूरा से पूरा अच्छे से अच्छे प्रकार से नंबर गेन करने में मदद मिल सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, और इससे संबंधित, अनुवाद से संबंधित, संद से संबंधित, समाज से संबंधित जितनी सारी वीडियो आप देखना चाहते हैं, जाकर के हमारी प्लेलिस्ट चेक करिए, और प्लेलिस्ट चेक करके चाहे हमारे चैनल पर चले जाइए, चैनल का लिंक हमारे वीडियो में दिया गया है जाकर के, और सभी वीडियोस को आप क्रमवाइज देख सकते हैं, और जो संस्कृत ग्रामर है उसको आसानी से आप समझ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।